दोस्तों, आज की वीडियो में हम फाइव डोर मारुति सुजुकी जिम्नी के बारे में बात करने वाले हैं। और वीडियो में मैं आपको टॉप फाइव न्यू डेवलपमेंट न्यूज़ देने वाला हूँ फाइव डोर जिम्नी से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह हाईली एंटिसिपेटेड मॉडल नेक्स्ट ईयर शोरूम्स पर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, लेटेस्ट जनरेशन सुजुकी जिम्नी ने ओवरसीज मार्केट में अच्छी खासी पॉपुलरिटी बना ली है। गाड़ी की हाई डिमांड होने के कारण ही इसका प्रोडक्शन इंडिया में भी शुरू करना पड़ा, प्योरली बस एक्सपोर्ट करने के लिए ही। हालांकि दोस्तों, गाड़ी साइज में बस रेनॉल्ट क्विड के जितनी ही है, मगर हमें कोई भी इस सेगमेंट में थ्री डोर ऑफ रोड मॉडल प्रोवाइड नहीं करवाता। लेकिन दोस्तों, इसकी बजाय सुजुकी अपने फाइव डोर वर्जन पर काम कर रही है, जो स्पेशली इंडियन बायर के लिए बनाया जाएगा। और दोस्तों, इस एक्सटेंडेड जिम्नी को फर्स्ट टाइम 2021 में ही स्पोर्ट किया गया है, जिससे हमें इस गाड़ी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल पाई। यहाँ पर हम टॉप फाइव चेंजेस के बारे में जानेंगे जो इसको फाइव डोर लॉन्गर जिम्नी बनाएंगे। फर्स्ट है, इट कुड गेट ए मोर पावरफुल टर्बो पेट्रोल मोटर। दोस्तों, एक लेटेस्ट रिपोर्ट से पता चला है कि सुजुकी जिम्नी में एक न्यू टर्बो पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। यह माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्गर जिम्नी में लगा होगा। यह 1.4 लीटर बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन स्विफ्ट स्पोर्ट्स में भी लगा हुआ है, जो 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ एज ए स्टैंडर्ड मिलता है। और स्विफ्ट स्पोर्ट के अंदर यह इंजन 140 bhp की पावर, 230 Nm का पावरफुल टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और स्विफ्ट स्पोर्ट इंडिया के अंदर क्यों नहीं सेल होती, इसका एक मेन रीज़न दोस्तों आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एज कम्पेयर टू थ्री डोर जिम्नी में हमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 102 bhp की पावर और 130 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट चेंज की अगर बात करें तो वो है लॉन्गर व्हील बेस देन मोस्ट सब -4 मीटर SUVs। जी हाँ दोस्तों, एक लीक डॉक्यूमेंट से फाइव डोर जिम्नी की सारी स्पेसिफिकेशन पता चल गई है। हमें गाड़ी की डायमेंशन भी पता चली है। गाड़ी की ओवरऑल लेंथ 3850 mm है, जो कि कंफर्टेबली तरीके से 4 मीटर से कम है। और दोस्तों, एक सरप्राइजिंग बात यह भी है कि फाइव डोर जिम्नी को लॉन्गर व्हील बेस दिया गया है 2550 mm का, जो कि इंडिया में बिकने वाली बहुत सारी सब -4 मीटर SUV से ज़्यादा है, जैसे कि मारुति विटारा, ब्रेजा, टाटा नेक्सोन, फोर्ड इको स्पोर्ट्स, हुंडई वेन्यू। सिर्फ महिंद्रा XUV300 और रेनॉल्ट काइगर और निशान मैग्नाइट के पास ही इससे ज़्यादा व्हील बेस है। और दोस्तों, उनकी लेंथ कितनी अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अब थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो वो है नो कैबिन चेंजेज एक्सपेक्टेड। दोस्तों, वैसे तो अभी तक अपकमिंग फाइव डोर जिम्नी के इंटीरियर को स्पाई नहीं किया गया है, लेकिन गाड़ी में हमें रियर सीट्स के अलावा इसके थ्री डोर वाले वर्जन के जैसा ही इंटीरियर मिलने वाला है। और यह एक अच्छी बात भी होने वाली है, क्योंकि जिम्नी ऑफ रोडर का डैशबोर्ड कंपनी की ओल्ड जनरेशन जिप्सी से इंस्पायर्ड रखा गया है। इसमें इंडिविजुअल स्क्वेयर हाउसिंग के एनालॉग डायल्स और एक ग्रैब हैंडल भी शामिल है, जो कि फ्रंट पैसेंजर सीट के सामने मिलता है। और दोस्तों, इसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम और क्लाइमेट कंट्रोल हमें सिमिलर मारुति सुजुकी स्विफ्ट के जैसे ही मिलने वाले हैं। अब दोस्तों, फोर्थ चेंज की अगर बात करें तो वो है फाइव डोर जिम्नी कुड गेट टू व्हील ड्राइव वेरिएंट। दोस्तों, थ्री डोर जिम्नी के साथ 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन फोर व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ एज ए स्टैंडर्ड ऑफर किया जाता है। लेकिन दोस्तों, मारुति सुजुकी न्यू फाइव डोर जिम्नी को मोर अफोर्डेबल बनाने के लिए इसको सिर्फ टू व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ ऑफर करेगी, और जिससे मे बी यह कार मोर प्रैक्टिकल फैमिली कार भी बन जाएगी। इसीलिए अभी भी इसको संभावित खरीदार ज़रूर कंसीडर करेंगे जो 4x4 कैपेबिलिटीज यूज भी नहीं करना चाहते थे। इसका टू व्हील ड्राइव वेरिएंट अधिक सस्ता और सुलभ होने वाला है। इस पर दोस्तों, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, फाइनल पॉइंट की अगर बात करें तो वो इसकी लॉन्चिंग से रिलेटेड है। इंडिया लॉन्च लाइकली इन लेट 2022। दोस्तों, जिस रिपोर्ट में इसके टर्बो पेट्रोल इंजन के बारे में बताया गया है, उसी रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया है कि फाइव डोर जिम्नी का ग्लोबली डेब्यू 2022 में होने वाला है। और यह देखते हुए महिंद्रा सुजुकी एक्सपोर्ट के लिए थ्री डोर जिम्नी बना रही है, और वही 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन अन्य मॉडलों में भी यूज किया जा रहा है, लाइक सियाज और अल्टिगा। और दोस्तों, मे भी हमें फाइव डोर जिम्नी की टीजर पिक्चर या वीडियो जरूर इसी साल देखने को मिल जाएगी। आई होप दोस्तों, आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा दें। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।